अमेरिका में होने वाला है राष्ट्रपति का चुनाव। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। इस चुनाव में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मैदान में हैं। एलन लिक्टमैन, जिन्हें अक्सर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों का नास्त्रे दमस कहा जाता है, उन्होंने एक बड़ी भविष्यवाणी की है। पिछले 10 सालों से वह चुनावों को लेकर सटीक भविष्यवाणी करते रहे हैं। अब 2024 के अमेरिकी चुनावों को लेकर उन्होंने अपनी भविष्यवाणी कर दी है। गुरुवार को लिक्टमैन ने भविष्यवाणी की और कहा कि कमला हैरिस नवंबर के चुनाव में जीत हासिल करेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने एक वीडियो में कहा कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस राष्ट्रपति बाइडेन के हटने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार बनी है। 5 नवंबर को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को वह हरा देंगी और व्हाइट हाउस डेमोक्रेटिक हाथों में होगा। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक लिक्टमैन ने वीडियो में कहा कि डेमोक्रेट व्हाइट हाउस पर कब्जा बनाए रखेंगे और कमला हैरिस अमेरिका की अगली अमेरिकी राष्ट्रपति होंगी। कम से कम इस रेस के लिए मेरी भविष्यवाणी यही है। बता दें कि 77 साल के लिक्टमैन ने कहा कि उनकी भविष्यवाणी एक ऐतिहासिक इंडेक्स मॉडल पर आधारित है। इसे वह व्हाइट हाउस की कुंजी कहते हैं। इस प्रणाली में मौजूदा राष्ट्रपति की पार्टी पर केंद्रित 13 सच्चे झूठे बयानों के लेंस के जरिए राजनीतिक परिदृश्य का विश्लेषण किया जाता है। अगर 6 या उससे ज्यादा कथन झूठे हैं, तो चुनौती देने वाले के जीतने की भविष्यवाणी की जाती है। उनके मुताबिक हैरिस को 8 पॉइंट में बढ़त हासिल है। हाल ही में बने संगठन हिंदूज फॉर अमेरिका फर्स्ट ने घोषणा की है कि वह राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करेगा। इसके अलावा डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के खिलाफ अभियान भी शुरू करेगा। हिंदूज फॉर अमेरिका फर्स्ट के अध्यक्ष और संस्थापक उत्सव संदूजा ने गुरुवार को इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के समर्थक हैं। उनके विपरीत हैरिस ने भारत और भारत के लोगों के लिए अपमानजनक बयानबाजियां की हैं। बता दें कि अमेरिकी इतिहासकार प्रोफेसर एलन लिक्टमैन अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के नतीजे की भविष्यवाणी चुनावों और सर्वे के आधार पर नहीं, बल्कि 1981 में अपने भूभौतिकीविद मित्र व्लादिमीर केलिस बोरोक के साथ विकसित की गई 13 कुंजियों के आधार पर करते हैं। इनमें इनकम्बेंसी, मध्यावधि लाभ, तीसरे पक्ष के उम्मीदवार, अल्पकालिक अर्थव्यवस्था, दीर्घकालिक अर्थव्यवस्था, सामाजिक अशांति, व्हाइट हाउस घोटाला, मौजूदा और चुनौती देने वाले करिश्मा, विदेश नीति की विफलता और सफलता जैसे मैट्रिक्स शामिल हैं। अमेरिकी इतिहासकार के मुताबिक जिन 13 कसौटियों पर वह राष्ट्रपति उम्मीदवारों को कसते हैं, उनमें से 8 में कमला हैरिस अव्वल हैं। इस वजह से इस बार के चुनाव में उनके जीतने की संभावना बन रही है। हालांकि 5 नवंबर को ये स्पष्ट हो जाएगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति आखिरकार कौन बनेगा, कमला हैरिस या फिर डोनाल्ड ट्रंप। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।